आप सभी का, आप देख रहे हैं एबीपी गंगा का देहरादून महाधिवेशन और आपके साथ हूं मैं। एबीपी गंगा के मंच पर तमाम बड़े दिग्गज आज जुड़ने वाले हैं, उनसे सवाल जवाब होंगे किस तरीके से भारत सरकार आगे बढ़ रही है। 2.0 ये सरकार है, 100 दिनों का वक्त कंप्लीट होने को है, आगे किस तरीके से बढ़ना है, क्या विजन है, ये जानने की कोशिश करेंगे। और साथ ही साथ विपक्ष की क्या तैयारी है, विपक्ष की क्या भूमिका है, विपक्ष की सरकार को घेरने की आगे की प्लानिंग क्या है, ये भी जानने की कोशिश करेंगे। और मेरे साथ है मेरे साथी गुंजन दीक्षित। शुक्रिया दीपा, मैं आपके साथ गुंजन। और आज हमारे साथ दो खास मेहमान जुड़ेंगे, ज्योति रोतेला जी प्रदेश महिला कांग्रेस के अध्यक्ष हमारे साथ जुड़ गई हैं, और अब से थोड़ी ही देर बाद दीप्ति रावत जी राष्ट्रीय महामंत्री हैं भाजपा महिला मोर्चा के, हमारे साथ जुड़ेंगी, उनसे भी हम चर्चा करेंगे। सबसे पहला सवाल ज्योति रोतेला जी आप ही से है मेरा, क्योंकि हमारे सेशन का नाम उड़ान है। उत्तराखंड के गठन में मातृशक्ति का जो योगदान रहा, आपको लगता है कि 22 साल के उत्तराखंड में मातृशक्ति का उसी तरीके से योगदान है या उतना योगदान है? जी हाँ बिल्कुल, मुझे लगता है कि जो जब हमारा ये राज्य बना था, जो राज्य के लिए आंदोलन मातृशक्ति ने करा था, जो योगदान उस टाइम मातृशक्ति का था वो आज भी है। आज अगर आप देखोगे कि जो वोट दिया जाता है, जो सरकारें बनती है, वो मातृशक्ति के वोटों से बनती है बजाय पुरुषों की। मातृशक्ति का जो वोट है वो पुरुषों के मुकाबले ज्यादा है, सरकार निर्माण में उनकी अहम भूमिका रहती है हमेशा। अच्छा ज्योति जी, अभी हाल में विधानसभा के चुनाव उसके बाद बीजेपी की सरकार, 100 दिनों का वक्त कंप्लीट होने को है, 30 तारीख को 100 दिन पूरे हो जाएंगे भारत सरकार को, ये 100 दिनों का कार्यकाल आप किस तरीके से देख रहे हैं, कितने संतुष्ट हैं, और इससे आगे का आने वाला विजन किस तरीके से आप नजर आता है भारत सरकार का, क्या देख पा रहे हैं? देखिए पहली बात तो जो 100 दिन परसों 30 तारीख को हो रहे थे हमें सरकार के, उसमें 65 दिन तो मुझे लगता है कि उन्होंने नई, अब जो अपने हारे हुए मुख्यमंत्री थे उनको चुनाव कहाँ से लड़ाना है, और जो उनकी पूरा जो मंत्रालय था, जो उनके मंत्री थे विधायक थे, वो अपने मुख्यमंत्री के लिए सीट ढूंढ रहे थे, और उनके चुनाव की तैयारी में और उनको इलेक्शन लड़ाने में उन्होंने 65 दिन गुजार दिए। और 35 दिन में हम लोगों का, हम लोग उनसे सवाल पूछ रहे हैं कि उन्होंने क्या कर क्या है, रोजगार पे उन्होंने क्या करा, महिलाओं की सुरक्षा के लिए उन्होंने क्या करा, युवाओं के लिए उन्होंने क्या काम करा, उनके पास इस बात का कोई जवाब नहीं है। क्योंकि उनका जो पहला उद्देश्य था, उनको लगा कि उनके जो 47 विधायक थे उनमें से कोई मुख्यमंत्री लायक योग्य नहीं था, तो उन्होंने एक हारे हुए विधायक को मुख्यमंत्री कैसे दोबारा बनाया जाए उस पर फोकस रखा। तो 100 दिन के कार्यकाल में 65 दिन तो उन्होंने इन सब चीजों में ही निकाले हैं। और संतुष्ट है या नहीं है इसको लेकर मैं? नहीं नहीं, बिल्कुल भी संतुष्ट नहीं है, क्योंकि गवर्नमेंट ऐसे कोई भी योजनाएं धरातल पर नहीं ला पाए जिससे हम लोग बोले कि हाँ हम लोग उनकी योजनाओं से संतुष्ट हैं, या उसके लिए वो कोशिश भी कर रहे हैं, अभी तक वो कोशिशें दिखाई नहीं दे रही हैं। और 100 दिन गुंजन किसी भी सरकार के आकलन करने के लिए, ज्योति जी आप भी जानते हैं कि 5 साल का वक्त होता है, 100 दिन बहुत कम है आकलन करने के लिए, लेकिन 100 दिन में जो टारगेट शुरुआत में रखा गया था, शपथ ग्रहण जब से हुआ उसके बाद एक टारगेट उनका हुआ था किस तरीके से वो आगे बढ़ रहे हैं, तो आप कह रहे हैं कि एक भी चीज से आप संतुष्ट नहीं है? देखिए आप पहली बात तो इस सरकार को 100 दिन क्यों दे रहे हैं, ये सरकार 5.5 साल की सरकार है, 5 साल पहले भी तो बीजेपी की सरकार थी, ये 100 दिन थोड़ा इनकी सरकार है, तो दोबारा रिपीट सरकार आई है, तो 5.5 साल में उन्होंने क्या काम करे इस पे बात होनी चाहिए। और उसके बाद इन 100 दिनों में तो सिर्फ इन्होंने चुनाव लड़ा है, कोई योजना 100 दिन पूरे होने वाले हैं, इसीलिए 100 दिनों पर हम यहाँ चर्चा कर रहे हैं। और आपने जो पहले मेरे सवाल का जवाब दिया था उससे जुड़ा एक और सवाल है मेरे मन में, आपने कहा कि वोट महिला का बहुत मायने रखता है और उसी वोट से सरकारें बनती हैं, लेकिन उन सरकारों में कितनी महिला मंत्री होती है ये भी जरा बताएं। हाँ बिल्कुल सही बात है, ये क्वेश्चन आपका बिल्कुल जायज है कि उन सरकारों में कितनी मंत्री होती है, दोनों पार्टियों को इस पर काम करने की जरूरत है। कांग्रेस पार्टी को लेकर ही हम बात करें आपसे, तो आप मुझे ये बताइए कि आपकी तो राष्ट्रीय अध्यक्ष भी महिला है, तो काम करने की जरूरत है, तो कब होगा काम? 22 साल हो चुके हैं उत्तराखंड को बड़े हुए। देखिए वो सरकार जिसने महिलाओं को पंचायती राज से लेके मुख्यमंत्री से लेके राष्ट्रपति तक का महिला को अधिकार दिया वो कांग्रेस पार्टी है। पंचायती राज में जो ग्राम प्रधान, क्षेत्र पंचायत, जिला पंचायत, जिनको चुनाव लड़ने का अधिकार दिया वो राजीव गांधी जी ने दिया था, कांग्रेस पार्टी ने दिया था, वो बीजेपी ने नहीं दिया। महिलाओं को सशक्तिकरण के लिए जो काम करना शुरू करा वो कांग्रेस गवर्नमेंट ने करा, पहली मुख्यमंत्री कांग्रेस की महिला रही है, शीला दीक्षित रही है, राष्ट्रपति पहली हमारी
महिला रही हैं, प्रधानमंत्री पहली हमारे उत्तराखंड की बात कर रहे हैं हम, तो उत्तराखंड में आप मुझे बताइए उत्तराखंड में महिलाओं का उत्थान कैसे होगा? अगर सत्ता पक्ष यहाँ पर होता तो ये सवाल मेरा उनसे भी होता और आपसे भी है। देखिए हमारी जो पार्टी है वो महिलाओं को टिकट दी है, हम लोग चुन के भले ही कम आए लेकिन महिलाओं को टिकट नहीं मिला ऐसा नहीं था। इंदिरा हृदयेश जी हमारे पूर्व में हमारी स्वर्गीय मंत्री रही है इंदिरा हृदयेश जी, और उनसे बड़ा एग्जाम्पल, उनसे बड़ा सशक्तिकरण का एग्जाम्पल उत्तराखंड में नहीं है, क्योंकि महिलाओं के नाम पे वो एक बहुत बड़ी राजनीतिज्ञ इस प्रदेश में रही। इंदिरा हृदयेश जी का आपने नाम लिया, एक सवाल मेरा ये है इंदिरा हृदयेश जी जो अभी हमारे बीच तो नहीं है लेकिन कांग्रेस पार्टी में उत्तराखंड में वो बहुत बड़ा चेहरा थी, तो क्या कांग्रेस पार्टी ऐसा कोई विकल्प तैयार कर रही है अपने आप को मजबूत करने के लिए? कांग्रेस पार्टी हमेशा तैयार करती है और कांग्रेस पार्टी और महिलाओं को मौके दे रहे हैं। इस बार भी 5 महिलाओं को टिकट मिला था, भले ही हम लोग 2 महिलाएं जीत के आए लेकिन आने वाला जब लोकसभा का चुनाव होगा या 2027 का चुनाव होगा उसके लिए हम महिलाओं के सशक्तिकरण के लिए बात कर रहे हैं, उसमें हम लोगों की महिलाओं का पार्टिसिपेशन बढ़ेगा। अच्छा, हाल के विधानसभा चुनाव में ये पार्टियों पर हमेशा ही आरोप लगते हैं, भाजपा हो कांग्रेस हो, क्योंकि दोनों ही सरकारों में रही हैं, तो सवाल बहुत बनता है। और उत्तराखंड की महिलाएं जो है बहुत उम्मीद के साथ आपकी तरफ देखते भी हैं, उम्मीदें बहुत ज्यादा पार्टियों से हो जाती हैं, लेकिन महिलाएं उत्तराखंड की राजनीति के लिहाज से बहुत खुल नहीं पाई है, अभी तक भी ये कहा जाता है, अपने आप को बहुत अनफिट मानती हैं। और जब आपसे चुनाव से पहले भी बात हुई थी और चुनावों के दरमियान भी आपने एक बात कही थी कि अभी जो है जिताऊ उम्मीदवारों पर हमारा फोकस है, पार्टी को मजबूत भी करना है, अधिक से अधिक विधायक विधानसभा पहुंचे ऐसी कोशिश है, तो जिताऊ उम्मीदवारों को मैदान में उतारना होगा, अभी महिलाओं और पुरुषों पर फोकस हम नहीं कर रहे हैं। ये स्थिति कब सुधरेगी और कब फिट होगा राजनीति महिलाओं के लिए? देखिए इस बार जो हालात थे, जो अब 22 की बात करें तो उसका बहुत बड़ा रीजन है कि आप देख रहे हैं कि पिछले 8 साल से जो केंद्र में और पिछले 5-5.5 साल से जो राज्य में बीजेपी की सरकार रही, जो इन मुद्दों पे ये काम कर रही थी और जो इन लोगों ने जो इनकी नाकामी थी, इस वक्त हम लोगों को सरकार में आना जरूरी था और सरकार में आते तो महिलाओं को और ज्यादा मौके मिलते हैं, उसके लिए हमारी सरकार हमेशा से काम करती है। लेकिन ज्यादती हुई ना यूपी में, आपने क्या किया यूपी में? 40% महिलाओं को आरक्षण मिला टिकट में, और ये मांग यहाँ की महिलाओं ने भी की, उत्तराखंड की कांग्रेस की महिलाओं ने, कांग्रेस की जो प्रत्याशी खुद को बहुत मानती थी, कईयों से हमारी बातचीत हुई, उन्होंने कहा कि टिकट की उनको उम्मीद है लेकिन लगता नहीं है कि टिकट मिलेगा, उम्मीद वो कर रही थी लेकिन पूरा भरोसा नहीं था। ये जाति की उत्तराखंड के साथ यूपी के साथ रवैया कुछ और है, यूपी के साथ जाति कैसे कह सकते हैं आप? यूपी में हम लोगों ने 40% महिलाओं को टिकट देके एग्जाम्पल सेट कर शुरुआत तो करें, बीजेपी तो वो भी एग्जाम्पल आपने जरूर सेट किया, लेकिन वहाँ पर आप तीसरे नंबर की पार्टी भी नहीं है, यहाँ तो मुख्य विपक्षी पार्टी है ना। देखिए सही बोल रहे हैं आप, हम लोग वहाँ पे तीसरे नंबर की पार्टी भी नहीं रहे, ये होगा हमें जनता जनार्दन ने नकार दिया, हम लोगों को स्वीकारता नहीं हो पाई, लेकिन ऐसा नहीं है कि पार्टी ने जो आपने बोला था कि महिलाओं को मौके नहीं दिए, महिलाओं को मौका दिया है। एक तरफ ये कह रहे हैं कि महिलाओं को मौके मिले हैं, आपने इतने नाम गिनाए, शीला दीक्षित का नाम गिनाया, आप बताइए आप खुद ही अपने मुंह से इस बात को मान रहे हैं कि जनता जनार्दन ने नकार दिया, क्यों नकार दिया आपको? हमारी काम नहीं किया, देखिए इसे स्वीकारना पड़ेगा कि कहीं ना कहीं हमारी कुछ कमियां हो गई इसलिए यूपी में हम तीसरे नंबर पर रह पाए, लेकिन ऐसा नहीं है कि आज हम तीसरे नंबर पर तो कल को वहाँ पे हमारी लीडरशिप नहीं आएगी, या इससे पहले नहीं थी। उत्तराखंड का एक अभी तक नियम रहा जो टूट गया है इस बार कि एक सरकार जो बनती है अगली बार सरकार बदल जाती है, उम्मीद तो आप भी यही लगा के बैठे होंगे कि कुछ अच्छा कर पाएंगे, लेकिन ये रिकॉर्ड भारतीय जनता पार्टी ने तोड़ दिया। हाँ ये रिकॉर्ड उन्होंने भले ही तोड़ दिया, लेकिन उत्तराखंड का 2017 का जो वोट था और जो 2022 में वोट परसेंटेज था उसमें 4% का वोट का इजाफा कांग्रेस पार्टी को रहा है। ठीक है, हम लोगों ने जो टोटल हमारी सरकार नहीं बन पाई, पूरे प्रदेश में 2,16,000 वोट से हम हारे हैं, कहीं 400 वोट आ रहे हैं, कहीं 500 वोट आ रहे हैं, बहुत कम मार्जिन से हम लोग चुनाव हारे हैं, हमारी सरकार नहीं बन पाई, पर ऐसा नहीं था कि जनता ने कांग्रेस को नकारा है, जनता ने कांग्रेस को वोट दिया और वो वोट परसेंटेज पिछली सरकार से इस सरकार में बढ़ा हुआ था। नहीं, चुनाव से पहले जब भी बातचीत होती थी ज्योति जी आपसे, आपके तमाम बड़े दिग्गजों से, बड़े नेताओं से, वो कहते थे कि इस बार तो भाजपा का सफाया हो जाना है क्योंकि हम लोग दुगनी मेहनत के साथ आ रहे हैं, बहुत पूरी ताकत के साथ आ रहे हैं, युवा और अनुभवी दोनों साथ में हैं और मिलकर के आगे बढ़ना है, उत्तराखंड का विकास करेंगे और कांग्रेस पार्टी एक पार्टी ऐसी है जो विकास कर सकती है 21 सालों के बाद। एक तो ये सवाल कि कांग्रेस ही जो है उत्तराखंड का विकास कर सकती है, सरकार में तो पहले भी आप रहे हैं, ये आपका अभी तक की कमी कहाँ पर रही, खामी कहाँ पर रही, उस पर कहाँ पर आप मंथन नहीं कर पाए? और एक सवाल मेरा ये भी,
कि दावेदारी तो हमने ये भी सुना था कि आपकी तरफ से भी टिकट को लेकर की गई थी, लेकिन आप भी सफल नहीं हो पाई। जब ये सवाल महिलाएं पूछती हैं, हम जब जाते हैं उत्तराखंड, क्योंकि मैं उत्तराखंड से रहने वाली हूँ, मैं जब जाती हूँ यहाँ, तो मुझसे पूछते हैं कि कांग्रेस में तो महिला जो अध्यक्ष होती है, प्रदेश अध्यक्ष, वो तो छोड़ के चली जाती है कांग्रेस पार्टी चुनाव से आने पहले, और जो प्रदेश अध्यक्ष है वो दावेदारी कर रही थी लेकिन उनको खुद तो मौका मिला नहीं। नहीं नहीं, दो चीजें हैं। पहले मैं आपके क्वेश्चन दो तीन हो गए। पहली बात तो मैं दावेदारी कर रही थी उस वक्त, मैं प्रदेश अध्यक्ष नहीं थी, मैं ऑल इंडिया महिला कांग्रेस में उस वक्त काम कर रही थी। और एक सिचुएशन होती है हमेशा राजनीतिक पार्टी की, और एक सिचुएशन ऐसी बनी कि मुझे वहाँ पे टिकट नहीं मिल पाया। लेकिन ऐसा नहीं है कि मेरी पार्टी ने मुझे मान सम्मान नहीं दिया। मुझे जिस दिन हमारे यहाँ टिकट डिक्लेयर हुआ उसके अगले दिन महिला कांग्रेस का प्रदेश अध्यक्ष बनाया, पहली बात। दूसरी बात, जो हमारी महिला कांग्रेस की अध्यक्ष गई, जिनके लिए आप बोल रहे कि वो टिकट नहीं मिलने पर गई, तो मैं एक संगठन की अध्यक्ष हूं, और मैं ये जरूर बोलना चाहूंगी कि कोई भी जो संगठन का कार्यकर्ता है, चाहे वो बीजेपी का और कांग्रेस का है, अगर वो सिर्फ टिकट के लिए, टिकट तक सीमित होकर राजनीति कर रहा है, तो उसे राजनीति नहीं करनी चाहिए। एक अध्यक्ष थी सरिता आर्य जी, और उनका अधिकार बनता था, उनकी जिम्मेदारी बनती थी कि उनको, जो उनकी महिलाएं थी जो दावेदारी कर रही थी, उनके लिए टिकट मांगना चाहिए था। लेकिन वो सिर्फ अपने स्वार्थ में अपने काउंटर करूंगी। आप मुझे ये बताइए, राजनीति तो दोनों तरफ से होती है, भाजपा की तरफ से भी होती है और कांग्रेस पार्टी की तरफ से भी होती है। और ऐसा नहीं है कि भाजपा में नाराजगी नहीं होती है, लेकिन वो उस नाराजगी को शांत कर लेते हैं, मना लेते हैं, मान मनवल कर लेते हैं। सरिता आर्य को लेकर दीपा ने आपसे सवाल पूछा, और सरिता आर्य को लेकर मेरा भी सवाल है। वो टिकट चाहते थे, टिकट उन्हें मिला नहीं, पार्टी ने उन्हें निष्कासित कर दिया, और उसके बाद उन्होंने पार्टी बदल दी। नहीं, और फिर आपको भी टिकट चाहिए था, आपको टिकट नहीं मिला, तो आप खुश हैं, संतुष्ट हैं इस पद से? नहीं, मैं इस पद महिला प्रदेश अध्यक्ष के पद से बिल्कुल संतुष्ट हूँ। मेरे को मेरी पार्टी ने पूरे प्रदेश में महिलाओं की आवाज उठाने के लायक समझा, और मुझे मुख्य विपक्षी महिला कांग्रेस के अध्यक्ष बना के मुझे महिलाओं के लिए लड़ाई लड़ने के योग्य समझा, इस पद से मैं क्यों? लेकिन ज्योति जी, चुनौती कितनी बड़ी है आपके सामने पार्टी को फिर से खड़ा कर पाना, क्योंकि 22 में बहुत उम्मीदें थी। बार बार मैं ये जिक्र कर रही हूँ, जब भी पूछते थे आप कहते थे सरकार आप ही की आ रही है। 27 की लड़ाई तो और भी दिलचस्प हो चली है, और भी मुश्किल हो चली है, पहाड़ जैसी परेशानियां आपके सामने है, पहाड़ में कैसे उससे निपटेंगे, चुनौतियां कितनी बड़ी आपके सामने है? देखिए, चुनौतियां हमारे सामने हैं, लेकिन ऐसा नहीं है कि हम उन चुनौतियों से लड़ नहीं सक रहे या लड़ नहीं रहे। मैंने आपको बोला कि इस बार भी जो हम लोग सरकार नहीं बनाने में नाकाम हुए, उसका मार्जिन बहुत कम था। 2,16,000 वोट से पूरे प्रदेश में ये वोट मार्जिन था जिससे हम लोग सरकार नहीं बनाए। लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि हम आगे की लड़ाई नहीं लड़ रहे हैं। जो जनता की बात कर रहा है, जो जनता के अधिकारों की बात करता है, जो आपने अभी बोला कि कांग्रेस बोलती कि देश का विकास हमने करा है, तो उसमें सच्चाई है और उसके लिए हम काम कर रहे हैं। ठीक है, डीसी रावत जी भी हमको ज्वाइन कर चुके हैं, भाजपा महिला मोर्चा राष्ट्रीय महामंत्री वो हैं। बहुत स्वागत है मैडम, थोड़ा सा माइक आप ले लें। थोड़ा सा आप लेट हो गई हैं, लेकिन सवाल मेरा सबसे पहले आपसे ये, 100 दिनों का कार्यकाल आप पूरा करने वाले हैं 30 तारीख को, कैसा रहा 100 दिन? देखिए, 100 दिन पूरे काम के रहे, 100 दिन पूरे विकास के रहे, 100 दिन ऐसे रहे जिसमें लगातार कई निर्णय हुए, बड़े बड़े निर्णय हुए, और जिन पे काम भी होगा, और बहुत सारे 100 दिन में ऐसे भी काम हुए जो कि कितने सालों में नहीं हो पाए, चाहे वो परिसंपत्तियों के विवाद के मसले हों, चाहे वो उद्घाटन है वो कई चीज़ों का। और हमने देखा कि जैसे रोपवे का उद्घाटन हुआ टीवी में हमारी सुरकंडा देवी मंदिर का, तो इस तरीके से बहुत सारी चीज़ें, कोई नई चीज़ें जो इस प्रदेश को सौगात देने वाली चीज़ें वो हुई। और 100 दिन में मुख्यमंत्री जी अपना चुनाव भी जीत कर आए, तो अच्छी चीज़ है। हमारा जो सेशन है उड़ान उसका नाम है, और उसी से जुड़ा हुआ पहला सवाल मैंने पूछा था ज्योति जी से, और मेरा पहला सवाल आपसे उड़ान से जुड़ा हुआ ही होगा। महिलाओं की उड़ान कितनी है भाजपा में? देखिए, महिलाओं की उड़ान इतनी है भाजपा में कि भारतीय जनता पार्टी महिलाओं को, आप देखिए इस प्रदेश में जब टिकट देने की बात हुई तो भी सबसे ज्यादा अगर टिकट मिले तो भारतीय जनता पार्टी ने दिए महिलाओं को, और महिलाओं ने जब वोट दिया तो वो भी महिलाओं ने ही ज्यादा वोट प्रतिशत, भारतीय महिलाओं का जो वोट था वो ज्यादा भारतीय जनता पार्टी को मिला, वो हम नरेंद्र मोदी जी को मिला। आज प्रधानमंत्री जी पे वो विश्वास करती हैं, हमारे मुख्यमंत्री हमारी सरकारों पे वोट मिलने की वजह तो ये भी हो सकती है ना कि टोटल उत्तराखंड की पॉपुलेशन में महज 3 लाख ही महिलाएं कम है। देखिए, मैं लगभग बराबर है, मैं उत्तराखंड की केवल बात नहीं कर रही हूँ, आप देश भर में अगर देखेंगी जहाँ जहाँ चुनाव हुए, आप उत्तर प्रदेश में देखें, आप गोवा देखें, आप त्रिपुरा देखें, आप उत्तराखंड देखें, सभी जगह
महिलाओं का ने जो वोट दिया है वो ज्यादा दिया है। लेकिन पुरुष ये सारी बातें, दूसरी चीज है, मैं आप कह रहे हैं कि पार्टी क्या कर रही है, तो पार्टी बहुत सारे महिलाओं का वोट इसलिए मिल रहा है क्योंकि पार्टी उनको एक भरोसा देती है, और जब भारतीय जनता पार्टी के लिए वो वोट करती है तो उन्हें लगता है कि वो एक सुरक्षित माहौल के लिए वोट कर रही है। लेकिन आप काउंटर भी करेंगी, लेकिन कंजूसी आप लोग कर देते हैं टिकट देने में महिलाओं को, ये बहुत नाराजगी है महिलाओं में आपकी पार्टी को लेकर भी। और ये आपकी सारी चीजें जो आपने गिनाई हैं, जो उपलब्धियां बताई हैं 100 दिनों की, जो आप बता रहे हैं धामी सरकार मोदी सरकार ये कर रही है, करने वाली है, विजन ये है, ये सब कांग्रेस को दिखाई क्यों नहीं देता? ज्योति जी यहाँ पर बैठी हुई है, बहुत नाराज है आप। देखिए विपक्ष को तो मुझे लगता है कि अच्छा है कि कुछ ऐसी चीजें दिखें कि जो सरकार नहीं कर रही है, और वो कहेंगे तो वहां पर भी सरकार की नजर जाए और वो भी सरकार काम करे, तो विपक्ष की भूमिका तो वही है। ज्योति जी, लेकिन हाँ, कुछ चीजें जो पार्टी काम कर रही है तो वो पार्टी तो कर ही रही है, उसको तो हमें एक्सेप्ट करना ही पड़ेगा। देखिए मैं दीप्ति, हमारी बड़ी बहन है, और मैं इनको एक बात बोलना चाहूंगी। आपने शुरुआत करी कि प्रधानमंत्री जी के नाम से वोट मिला, मतलब आज भी आपके पास कोई भी काम हमारी सरकार के गिनाने के लिए प्रदेश में नहीं थे जो कि आपको प्रधानमंत्री जी के नाम से वोट मिला। दूसरी बात, आपने बोला कि महिलाएं सुरक्षित महसूस कर रही है, महिलाओं के लिए सशक्तिकरण के लिए काम हो रहा है, तो मेरे आपसे दो सवाल हैं। पहली बात तो ये कि परसों रुड़की में एक माँ और एक बच्ची के साथ, 6 साल की बच्ची के साथ गैंगरेप हुआ, आप सब लोगों ने सुना होगा। उसके अगले दिन हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी रुड़की में थे, ना तो उन्होंने वहाँ पे उनकी सुत लेने की कोशिश करी, ना उन्होंने कोशिश करी कि एक बार जाके उस माँ बच्ची को मिल लें। दूसरी बात, अभी तक उसमें कोई अरेस्टिंग नहीं हुई और बीजेपी की तरफ से उसका कोई बयान नहीं आया। दूसरी बात, एक मिनट, महिला सशक्तिकरण की बात कर रहे हैं आप, बोल रहे हैं कि आपने गाँव की महिलाओं ने वोट दिया, मेरा सवाल है आपने महिलाओं के सशक्तिकरण के लिए आपकी सरकार ने, आप लोगों ने क्या काम करा? एक तो जो मुद्दा आप कह रहे हैं उस पर पूरी जो कार्रवाई है वो हो रही है और चल रही है, लेकिन अगर हम इस तरीके से हम गिनवाना शुरू करेंगे तो सबसे ज्यादा अगर आप बलात्कार की घटनाओं की बात कर रहे हैं तो आज वो राजस्थान में हो रहा है, और हम उसके लिए लगातार उस प्रदेश में आंदोलन भी कर रहे हैं। वहाँ की आम महिला, वहाँ की महिला मोर्चा लगातार सड़कों पर है, आंदोलन कर रही है, ज्ञापन दे रही है, लेकिन वहाँ पे गहलोत की सरकार को कोई उनके कानों में जू नहीं रेंग रही है जी। तो वहाँ पर लगातार ऐसी घटनाएं बढ़ रही है। मुझे लगता है, देखिए उत्तराखंड और उत्तर प्रदेश में, आप देखिए ना, उत्तर प्रदेश में जब हम गए थे तो वहाँ पर कहा गया कि यहाँ पर पिछली जब सरकारें थी तो ऐसा था कि लड़कियां कॉलेज जाने से डरती थी, लड़कियों को लगता था कि हम कॉलेज जाएं कि नहीं जाएं, शाम का वक्त है, अकेले साइकिल चलाएं कि नहीं चलाएं। लेकिन आज जब योगी सरकार आई तो कहीं ना कहीं उन्हें इतना सुरक्षित माहौल और ऐसा माहौल मिला कि आज लड़कियां अपने कॉलेज भी जाती थी, वापस वहां से सुरक्षित वापस भी आ रही थी, और महिला सुरक्षा, महिला सशक्तिकरण, ये सब बातें बहुत उठती हैं। लेकिन सरकार चाहे किसी की भी आए, लेकिन क्या जो वादे किए जाते हैं वो वादे उस तरीके से पूरे होते हैं? देखिए जो वादे किए जाते हैं, मैं कहूंगी कि वादे जो होते हैं, बहुत सारे वादे ऐसे भारतीय जनता पार्टी ने किए जिसको लगता था लोगों को कि वो शायद कभी पूरे होंगे कि नहीं होंगे। 370 की केवल बात करते हैं, पता नहीं ये होगा कब, और मंदिर वहीं बनाएंगे लेकिन तारीख नहीं बताएंगे, इस तरीके की बातें कहा जाता था। लेकिन आज ऐसे, मैं कहूंगी हिस्टोरिकल जो निर्णय है, जो हमारे ऐतिहासिक निर्णय है जिनके बारे में लोग बात करते हैं, आज वो हुए महिलाओं के विषय में कह रही हूँ कि महिलाओं के आपने क्या किया। तो देखिए आज जब 75 साल होने को आए हैं, हम आजादी का अमृत महोत्सव यहाँ मना रहे हैं, सेलिब्रेट कर रहे हैं, लेकिन हमने कभी ये सुध नहीं ली थी कि हर एक महिला को यहाँ पे शौचालय की जरूरत है, और ये एक बहुत बेसिक फैसिलिटी है और चीज है जो नहीं, भाजपा के संकल्प आज बोल रहे हैं तो आपको हर घर में शौचालय मिले। भाजपा के संकल्प पत्र में क्या था महिलाओं के लिए? 3 गैस सिलेंडर मिलेंगे मुफ्त साल में, इसके अलावा क्या क्या लाइनें थी आप बता दें? और वो एक एक बात इसी पे आप जवाब देना दीप्ति जी। देखिए गैस सिलेंडर सिर्फ महिलाओं को नहीं मिलता है, महिला मिलेगा लेकिन उसका फायदा तो पूरे घर को होता है, लेकिन हाँ उसको जो धुएं से, हाँ उसको जो धुएं से निजात है वो महिला को मिलता है, क्योंकि चूल्हा वही जलाती है, तो उसको कम से कम इतनी राहत है कि 3 गैस सिलेंडर उसको फ्री मिलेंगे। एक बात मैं जोड़ दूं फिर आपसे मैं जवाब ले लूं, उसमें कोरोना काल में शहरों में सबसे ज्यादा महिलाओं के रोजगार गए, शहरी इलाकों में कोविड के दरमियान बहुत सारी महिलाएं थी जो शहरों में काम करती थी, रोजगार सब बंद हुआ तो छिन गया, सब खत्म हुआ। उसके बाद ग्रामीण इलाकों में महिलाओं की स्थिति बहुत दयनीय है, उत्तराखंड में
बहुत जिंदगी बहुत कठिन है, आप जानते हैं किस तरीके से यहाँ पर महिलाएं रहती हैं। आर्थिक स्थिति ग्रामीण इलाकों की दुरुस्त करने के लिए, महिलाओं की दुरुस्त करने के लिए आपका आगे का विजन क्या है ये जरा बता दें, और इसी पर ज्योति जी आपका पूरा ओवरऑल रिएक्शन। देखिए आप कह रहे हैं कि ग्रामीण इलाकों में क्या है कि ग्रामीण हो चाहे शहरी इलाके हो, यहाँ पर हमारे जो खासतौर पर जो ग्रामीण इलाके हैं वहाँ पे अगर महिलाओं को सशक्त करने की बात की गई है, अगर वहाँ पर ये बात की गई है कि महिलाएं अपने आप को एम्पावर्ड महसूस करें, अपने आप को जब तक वो आर्थिक रूप से मजबूत नहीं होंगी वो अपने आप को मजबूत नहीं महसूस कर सकती हैं। बाकी चीज़ों में बात अलग है, एजुकेशन में है, हर एक मापदंड है, लेकिन उसको उनको कहीं ना कहीं फाइनेंशियल इंडिपेंडेंस मिले ये भारतीय जनता पार्टी चाहती है। ये मोदी जी का विजन है जो उन्होंने गुजरात में भी किया, और आज यहाँ पर भी आप देखें तो जो सेल्फ हेल्प ग्रुप है उनके लिए बहुत सारी योजनाएं सरकार के पास, योजनाओं की बात उनको 5 लाख ज्योति रोतेला जी से जो हम 1 लाख देते थे आज उनको 5 लाख का ऋण जो है वो ब्याज उत्तराखंड की योजनाओं पे ही बात कर लेते हैं। ज्योति रोतेला जी आप अपनी बात कीजिए, फिर आपसे ही मेरा एक सवाल। पहली बात मैं आपको उज्ज्वला के लिए आंसर करना चाहूंगी। आपने बोला कि हमने हर घर में सिलेंडर दिया, आपने केवल अंत्योदय कार्ड के तहत 1,80,000 परिवारों को केवल सिलेंडर दिए, 3 सिलेंडर, उसके अलावा कहीं किसी को कुछ फ्री में नहीं मिला। ये आपके कहने की बात है कि आपने बोला था कि आप हर महिला को जो गरीब है उन लोगों को ही पहुंचाएंगे। दूसरी बात, जो आप सेल्फ हेल्प ग्रुप की बात कर रहे हैं, मैं आपको दीप्ति जी एक बात बताना चाह रही हूँ। NRLM के तहत UNDP की जो फ्लैगशिप एक स्कीम है जो NRLM के तहत सेल्फ हेल्प ग्रुप बनाते हैं, पहली बात तो ये बहुत लंबे टाइम से प्रदेश में काम कर रही थी, और आज आपने NRLM के तहत जो भर्तियां होती थी, जो जॉब लगती थी रूरल डेवलपमेंट मिशन के अंदर, वो बंद कर दी। उसमें आपने उस एजेंसी को हटा के इंडक्ट एक ऐसी एजेंसी है जिसको रूरल डेवलपमेंट में लाइवलीहुड पे काम करने का कोई भी एक्सपीरियंस नहीं, उस एजेंसी को आपने एक काम दे दिया, पहली बात। दूसरी बात, आप कह रहे कि फाइनेंशियल इंडिपेंडेंस की बात कर रहे कि आप महिलाओं को दोगे गाँव में, कैसे? आपने उनको 5,000, 10,000, 50,000 का ऋण उपलब्ध करा दिया, लेकिन आपने उनको कोई मार्केट तो उपलब्ध नहीं कराया। वो महिला एक गांव की जो 5,000 का कच्चा माने कपड़ा ले रही है, उससे कपड़े की सिलाई करनी, तो उसको मार्केट उपलब्ध कौन कराएगा? सरकार की जिम्मेदारी बननी चाहिए नहीं है? देखिए, अब मैं आपको इस बारे में, सभी लोगों को, मुझे लगता है जितने सुन रहे हैं हॉल में हैं और जितने बाकी लोग चैनल को देख रहे हैं वो जरूर इस बात को जान लें कि गवर्नमेंट का एक बहुत अच्छा एक पोर्टल है जिसको हम कहते हैं जेम पोर्टल, गवर्नमेंट ई मार्केटिंग, और महिलाओं का वहां पर रजिस्ट्रेशन होगा, फ्री ऑफ कॉस्ट वहां रजिस्ट्रेशन है, और आपको जितनी सरकारी संस्थाएं हैं उनको ये निर्देश है कि आपको जो भी खरीदना है पहले आप गवर्नमेंट ई मार्केटिंग जो हमारी जेम पोर्टल है आप वहां से खरीदेंगे। अगर आपको वहां पर वो प्रोडक्ट उपलब्ध नहीं है उसके बाद आप कॉमन मार्केट में जाएंगे, और जो महिलाएं हैं जो भी वो, देखिए जो भी वो प्रोडक्ट बना रही हैं, जो भी वो बनाती हैं उनको हम रजिस्ट्रेशन उनका जेम पोर्टल, दोनों की बात मैंने सुन ली, उत्तराखंड मैंने सुन ली, उत्तराखंड की कुछ योजनाएं हैं महिलाओं को लेकर उनको लेकर बात करते हैं। ज्योति रोतेला जी, आप इसे मेरा सवाल है, सवाल मेरा ये है कि उत्तराखंड में कई सारी योजना है, गौरा कन्या योजना है, उत्तराखंड सौभाग्यवती योजना है, इसके अलावा नारी सशक्तिकरण योजना है, कितना इन योजनाओं का महिलाओं को फायदा मिला है? मेरा सवाल वही था जो मैं दीप्ति जी से पूछ रही थी कि हमने योजनाएं बना दी लेकिन योजनाओं का इम्प्लीमेंटेशन गांव तक कैसे हुआ है या नहीं हुआ उसको चेक कौन करेगा? वो जिम्मेदारी सरकार के या सरकार के प्रतिनिधियों की है, जो आपके कर्मचारी उनकी है। लेकिन आज जो योजनाएं हैं जिन पर आप काम कर रहे हैं, मैं बहुत सारे एग्जांपल दे सकती हूं क्योंकि मैं एक गांव से निकली हुई लड़की हूं और वहां पे जो सिचुएशंस है उनको बता सकते हैं, उसमें कोई काम नहीं हो रहा है। अधिकारी खाना पूर्ति तो जरूर कर रहे हैं लेकिन महिलाओं की एम्पावरमेंट की कोई बात नहीं हो रही। मैं एक बात बताती हूं, मैं एक छोटा सा गांव है चौड़ा राजपुरा चंपावत में, मैं वहां गई, वहां पे एक महिला बैठी थी छोटी सी बच्ची के साथ, तो मैंने पूछा कि ये बच्ची हुई आपको कुछ सरकार से मिला? उसने कहा हाँ एक किट मिली थी, उसे नाम याद नहीं था, वो महालक्ष्मी योजना है सरकार की। बिल्कुल दीप्ति जी, कमी हमारे पास उसमें उसको बादाम भी मिले थे, उसको घी भी मिला था। बिल्कुल सरकार अपने तरीके से काम कर रही है लेकिन महिलाओं के पोषण के बारे में बना दी गई है लेकिन उन योजनाओं पर उस तरीके से काम नहीं हो रहा है। देखिए, महिलाओं के ऊपर जिम्मेदारियां कई सारी होती हैं, समाज भी है, सियासत भी है और परिवार भी है, सब कुछ संभालना है। उम्मीद यही है हमारी कि महिलाएं
सशक्तिकरण की जो बात होती है, महिला सशक्त होगी उत्तराखंड की। आप दोनों का मैं शुक्रिया करना चाहूंगी इस चर्चा में शामिल होने के लिए। और काम कर रही है, और काम कर रही है, और आप ग्राउंड रियलिटी में जाएंगे। बिल्कुल बिल्कुल, पूरा पहुंच रहा है। बहुत शुक्रिया, मुझे बताया कि हमारे बहुत बहुत शुक्रिया दीप्ति रावत जी, आपका भी, ज्योति रोतला जी भी, बहुत बहुत शुक्रिया आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए और अपनी बात पहुंचाने के लिए। धन्यवाद। ABP News आपको रखे आगे।